आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हाटिया झारखंड से पटना जंक्शन बिहार के बीच में रोजाना ट्रेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हाटिया से पटना जंक्शन तक चलने वाली प्रतिदिन ट्रेन, जिसका नाम है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 18622। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। अब ये नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है हाटिया से पटना की जो दूरी है 15 घंटे 5 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं। 538 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट में वो है 36 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये ICF कोचेस वाली ट्रेन है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या टिकट काउंटर से या रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से आप टिकट जो है कन्फर्म कर सकते हैं। तो आगे हम टिकट किराया सभी तीनों कोचों का डिस्कस करेंगे। थर्ड AC का इसमें एक कोच है जिसका हाटिया से पटना जंक्शन तक का टोटल किराया जो है वो है 870 रुपये, जिसमें 788 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 42 रुपये है, टोटल फेयर 870 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 6 कोच हैं जिसका किराया लगभग 320 रुपये है, जिसमें 300 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया 320 रुपये बनता है हाटिया से पटना जंक्शन तक का। बाकी इसमें जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों की बात करें तो 4 जनरल डिब्बे हैं इस ट्रेन में, जिसका हाटिया से पटना जंक्शन तक का किराया लगभग 180 रुपये के करीब है। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं हाटिया से पटना तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है हाटिया रेलवे स्टेशन झारखंड से हर रोज रात के 10:10 पे 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 15 घंटे 5 मिनट बाद ये पटना जंक्शन बिहार में अगले दिन दोपहर के 1:15 पे पहुंचती है। इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है रांची जंक्शन। रांची जंक्शन झारखंड में ट्रेन जो है रात के 10:55 पे पहुंचती है, सॉरी 10:25 पे पहुंचती है और 10:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। रांची जंक्शन के बाद मुरी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 11:35 पे पहुंचती है और 11:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है और 66 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बोकारो स्टील सिटी में रात के 12:35 पे पहुंचती है और 12:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है और 119 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BKSC। इसके बाद चंद्रपुरा जंक्शन झारखंड में रात के 1:28 पे पहुँचती है और 1:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 135 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कटरासगढ़ रेलवे स्टेशन झारखंड में रात के 2:10 पे पहुंचती है और 2:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 155 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KTH। इसके बाद ये ट्रेन जो है धनबाद जंक्शन झारखंड में रात के 3:25 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 168 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। कुमार धुबी रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:18 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 207 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बराकर रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 4:18 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद कुल्टी रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 4:30 पे पहुंचती है और 4:32 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 213 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चितरंजन रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 5 बजे पहुंचती है और 5:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है
तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 232 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जमतारा झारखंड में ये ट्रेन जो है सुबह 5:18 पर पहुँचती है और 5:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 246 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। विद्यासागर रेलवे स्टेशन पे सुबह 5:36 पर पहुँचती है और 5:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 264 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और विद्यासागर का स्टेशन कोड है VDS। इसके बाद ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन झारखंड में पहुँचती है सुबह 6 बजे के करीब और 6:01 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 288 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और इसका स्टेशन कोड है MDP। इसके बाद शंकरपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 6:25 पर पहुँचती है, 6:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जासीडीह जंक्शन जो कि झारखंड का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 6:37 पर पहुँचती है और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, हाटिया से यहाँ तक की जो दूरी है 319 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सिमुलतला बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 7:07 पर पहुँचती है और 7:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 342 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद झाझा रेलवे स्टेशन बिहार में सुबह 7:50 पर पहुँचती है, 7:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 361 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। गिद्दौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 8:05 पर पहुँचती है और 8:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 372 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। जमुई बिहार में ट्रेन जो है सुबह 8:21 पर पहुँचती है और 8:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 387 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मन्ननपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 8:42 पर पहुँचती है और 8:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 401 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद किउल जंक्शन बिहार में सुबह 9:23 पर पहुँचती है और 9:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 415 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KIUL। इसके बाद पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन लक्की सराय जंक्शन में सुबह 9:28 पर पहुँचती है और 9:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 416 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद डुमरी हाल्ट रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 9:46 पर पहुँचती है और 9:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भड़िया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 9:54 पर पहुँचती है और 9:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 432 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हाथीदह जंक्शन में पहुँचती है। हाथीदह जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 10:05 पर पहुँचती है और 10:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हाथीदह जंक्शन के बाद मकोमा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 10:18 पर पहुँचती है और 10:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 450 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। मेकरा ममर खबाद हाल्ट में यह ट्रेन जो है सुबह 10:30 पर पहुँचती है और 10:31 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। पुनारक बिहार में ट्रेन जो है सुबह 10:34 पर पहुँचती है और 10:36 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 464 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PHK। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 10:48 पर पहुँचती है और 10:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बख्तियारपुर जंक्शन बिहार में सुबह 11:10 पर पहुँचती है और 11:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
और इसके बाद खुसरोपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 11:24 पे पहुंचती है और 11:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 507 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KOO। इसके बाद फतुहा जंक्शन बिहार में सुबह 11:34 पे पहुंचती है और 11:36 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 516 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 11:48 पे पहुंचती है और 11:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 528 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना बिहार में दोपहर के 12:13 पे पहुंचती है और 12:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 535 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है हाटिया से चलकर अपने आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन बिहार में दोपहर के 1:15 पे पहुंचती है और 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है हाटिया से पटना जंक्शन तक की 538 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।